तमिलनाडु की जहां पर तिरुचिरापल्ली के एक गांव में बोरवेल में गिरे 2 साल के बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। 60 घंटे से भी ज्यादा वक्त बीत गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार बचाने की कोशिश में लगी हुई है। तो बोरवेल की जमीन को ड्रिल किया जा रहा है। बच्चा 25 अक्टूबर को शाम लगभग 5:30 बजे बोरवेल में गिर गया था और 30 फुट की गहराई में जाकर अटक गया। इसके बाद वो सरकते हुए लगभग 100 फुट की गहराई में जाकर फंस गया। तो 60 घंटे बीत चुके हैं। कहा जा रहा है कि 25 अक्टूबर के शाम 5:30 बजे ये बच्चा बोरवेल में गिरा, लेकिन अब भी लगातार जो टीमें हैं तमाम एसडीआरएफ की एनडीआरएफ की वो लगी हुई हैं। चौथे दिन भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और बोरवेल की जमीन को ड्रिल किया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। रात को भी ये ऑपरेशन चलता रहा। अब जमीन को ड्रिल किया जा रहा है ताकि बच्चे को जल्द से जल्द निकाला जा सके। तो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के एक गांव का यह मामला है जहां पर बोरवेल में 2 साल का बच्चा गिर गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और प्रयास लगातार जारी है यहां पर कि बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। तो चौथे दिन भी ये ऑपरेशन जारी है। 30 फुट की गहराई में जाकर अटक गया, लेकिन रात में वो और नीचे सरकते हुए लगभग 100 फीट की गहराई में जाकर फंस गया।